हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि उत्सव के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आस्तीन कटिंग करने के दो तरीके बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। दोनों तरीकों से आप आस्तीन की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये नाप वाला ब्लाउज़ लिया है। अब इसी से हम नाप लेंगे आस्तीन का और आस्तीन की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊँगी, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई नाप लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आस्तीन को इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ पर ये जॉइंट है शोल्डर के ऊपर, वहाँ से इस तरह से टेप को पकड़ेंगे और आस्तीन को नापेंगे। तो ये आ रहा है 7.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। तो टोटल लंबाई हम 8.5 इंच रखेंगे। और देखिए, यहाँ पर हम मोरी को नाप लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोरी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं जहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर हम इसको नापेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये लगभग 4.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम मोरी का नाप रखेंगे 4.25 इंच। अब देखिए, आस्तीन कटिंग करने के लिए हमें लंबाई और मोरी के साथ साथ आर्मोल का भी मेजरमेंट लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे इस प्रकार से, और जहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ तक इसको नापेंगे। तो ये यहाँ पर 7.5 इंच आ रहा है, तो आर्मोल हमारा यहाँ पर 15 इंच, 15 का आधा करते हैं तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा के रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब इसी लाइन के ऊपर हम मोरी का मार्किंग करेंगे, तो 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर लंबाई का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 7.5 इंच आस्तीन की लंबाई और 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और देखिए, अगर आप बिना अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए, सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, सीधा टेप रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ ऊपर से हम 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, ये जो हमने लाइन खींची है, इस लाइन के ऊपर हमें आर्मोल का मार्किंग करना है। तो इस प्रकार से टेप रखेंगे तिरछा ऊपर से और 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए इस प्रकार से। और इन निशानों को अब हम इस तरह से मिला देंगे और देखिए, ऊपर से एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, ये जो हमने लाइन खींची है तिरछी, इसको हमें यहाँ पे देखिए टेप को इस तरह से रखना है और आर्मोल का यहाँ पे आधा कर लेना है। जितना भी आपका आर्मोल है उसका हाफ कर लेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे और देखिए, ये जो हमने मार्किंग किया है 1/2 इंच ऊपर की तरफ, उसी को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से गोलाई देना है। तो देखिए, आर्मोल का जो हमने मार्किंग किया उसके नीचे से इस तरह से थोड़ा सा उतार देना है और इस तरह से इसका शेप दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इसको कट कर लिया। अब देखिए, फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गहरा शेप देंगे फ्रंट आर्मोल का। अब यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से और फ्रंट आर्मोल को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक आस्तीन यहाँ पर कटिंग की है और ये हमारा पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और अब यहाँ बॉटम पर एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए, ये जो लाइन मैंने खींची है इसके ऊपर की तरफ 1/2 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से एक लाइन खींच देना है। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच लिया है ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब इसके बाद देखिए, हम ब्लाउज लेंगे और देखिए, हमारा जो ब्लाउज का आस्तीन है इसको बराबर अच्छे से यहाँ पे सीधा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है। जो जॉइंट है यहाँ पे फिटिंग का, जो सिलाई लगी होती है वहाँ पर जो जॉइंट होता है उसको अच्छे से यहाँ पे सीधा कर लेना है। और देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पर मोरी को अच्छे से यहाँ पे बिछा के रखेंगे इस तरह से बराबर। देखिए, जो हमने फोल्डेड साइड है हमारे कपड़े की उसकी तरफ इस तरह से आस्तीन को मिला के रखना है बराबर, और यहाँ पर एक मार्किंग करना है। तो ये हो गया हमारा मोरी का मार्किंग। तो इस प्रकार से देखिए, हम बिना नापे, बिना टेप से नापे इस तरह से मोरी का मार्किंग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं। तो आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करने के लिए देखिए, इस प्रकार से आस्तीन को थोड़ा आगे की तरफ हम खिसकाएंगे और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखिए, जहाँ पर ये जॉइंट है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने ये निशान लगाया है।
तो मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए इस प्रकार से, ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बराबर आधा इंच लिया। अब इसके दूसरे तरफ देखिए आर्महोल के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो आर्महोल के लिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे। और देखिए अब हम आस्तीन को हटा देते हैं और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे ऊपर की तरफ, और जो हमने आर्महोल की तरफ एक लाइन खींची है वहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए दो लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। अब देखिए ये हमने जो ये लाइन खींचा है वहाँ पर फिर से हम देखिए इस प्रकार से आस्तीन को रखेंगे और यहाँ पर हम आर्महोल का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए बराबर इस तरह से आस्तीन को मिला के रखना है, जो हमने मार्जिन का जो लाइन खींचा है वहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम आर्महोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए जब भी यहाँ पर आर्महोल का मार्किंग करेंगे तो अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है आस्तीन को, थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए। और देखिए यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आर्महोल का मार्किंग किया और डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा मार्जिंग वाला लाइन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ हम आधा इंच का मार्जिंग लेंगे सिलाई के लिए। तो देखिए इस प्रकार से आधा इंच का मार्जिंग ले लेना है ध्यान से। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से हम आर्महोल का आधा कर लेंगे इस प्रकार से, देखिए टिप को रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। अब सेम उसी प्रकार से हम देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप आस्तीन की परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आस्तीन कटिंग करने का ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से भी आप बिना ब्लाउज से मेजरमेंट ले, बिना नापे, डायरेक्ट ब्लाउज से यहाँ पे मार्किंग करके भी आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम फ्रंट आर्महोल को कट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं सिलाई से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो तरीके से आस्तीन की कटिंग की है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कोई डिफरेंस आया है क्या इन दोनों आस्तीनों में, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीकों से हमने कटिंग की है। तो यहाँ पर हम आर्महोल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा वाला आस्तीन है और ये पहला वाला आस्तीन, तो दोनों में हम आर्महोल चेक करते हैं। तो दोनों में आर्महोल बराबर सेम है, 7.5 इंच है दोनों में। और मोरी को भी देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर बराबर 4.25 इंच आ रहा है। दूसरे में भी हम चेक कर लेते हैं, दोनों में देखिए सेम है मोरी का मेजरमेंट और आर्महोल का भी। तो फ्रेंड्स आस्तीन कटिंग करने का कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। और आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते अगली वीडियो में। Thank you.